हमारे प्रवेश टीम पूरा टीम आपके पास से तो बहुत कुछ सीखे हैं, और हम खास करके फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में अभी काम कर रहे हैं। 19 फ्रेंचाइजी गुजरात और आउट ऑफ गुजरात कार्यरत है, और अभी 12-13 फ्रेंचाइजी पाइपलाइन में है, ठीक है सर। लेकिन हमको एक चैलेंज ये आता है कि जो अपना सेल्स का जो भी प्रोसेस रहता है, जो भी फंडा रहते हैं, ठीक है, तो कुछ फ्रेंचाइजी वाले हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100% अपना सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डोर टू डोर मार्केटिंग करवाते हैं, डेटा गैदर करवाते हैं, वो डेटा के कलेक्टिंग, डेटा के ऊपर काम करवाते हैं, फोन कॉलिंग वो सब कुछ, ठीक है। तो कुछ लोग है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो लोग अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे और उसका रिजल्ट अच्छा आ पाए। दो ही चीज मैं बताऊंगा इसके अंदर, आपके जितने भी फ्रेंचाइजीज है उसमें से कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे होंगे तो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करते होंगे, am I right, yes or no? Yes, yes. वो फ्रेंचाइजी को ऊपर उठाओ और उसको एक्नॉलेज करो सबके सामने, क्या जबरदस्त काम किया इसने, ये किया, ये किया, इसके कारण इसको ये बेनिफिट हो गया, इसके लिए इसका रेवेन्यू हो गया। जो अच्छा काम करते हैं ना उनको शाबाशी दो, उनको फैंटास्टिक काम किया, एक ये काम करो। उसमें क्या होगा, जो काम नहीं कर रहा है ना वो सोचेगा अरे यार ये अच्छा कर रहा है, तो वो स्लो एंड स्टडी करना शुरू करेगा। और दूसरा एक और चीज आपको करना जरूरी है, समझो कोई नालायक है फ्रेंचाइजी, वो अपने हिसाब से काम करता है, राइट। एक मिसाल खड़ी करो कि वो फ्रेंचाइजी को रद्द कर दो, राइट, रद्द कर दो। जैसे ही रद्द करोगे तो बाकी के 6 बरोबर हो जाएंगे। अच्छा, आई डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस यस, एग्जैक्टली सर। इट वाज नाइस हैविंग यू सागर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट द सेशन। Yeah, thank sure. You. Thank you, sir. We are live on Facebook now. Okay, got it. Okay. Okay. Am I audible? Chat box pe daliye yes. Okay. Abhi khali chat box pe ye mention kariye ki aap kidhar se hain. Abhi for example kisi ne डाला मैं पूना से हूँ, ओके, सो फ्रॉम वेर, सूरत, ओके, सन फ्रॉम सूरत, ओके, देन देयर इज वन मोर पर्सन फ्रॉम सूरत, पुणे, अहमदनगर, सांगली, थाना, ओके, पुणे, मुंबई, कलकत्ता, ओके, वाशी, यस, पुणे, ओके, मुंबई, ओके, सूरत, फाइन, आई वांट पीपल नागपुर, अहमदाबाद, वापी, कोल्हापुर, अंधेरी, फाइन, अहमदाबाद, ओके, सो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम गुजरात, ओके, कुछ लोग महाराष्ट्र से भी है, नासिक से है, ओके, वेरी गुड। सो नाइस टू हैव यू इन दिस वेबिनार। तो ये वेबिनार का नाम है कि अपना खुद का यूएसपी कैसे क्रिएट करने का और प्राइस वॉर से कैसे निकलना। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये सबसे है कि कितने जन ये चाहते हैं कि आपको प्राइस वॉर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्राइस वॉर से निकलना चाहते हैं। अगर आप निकलना चाहते हैं तो टाइप करिए यस कमेंट बॉक्स पे। ओके, यस, वेरी गुड। कितने लोग चाहते हैं कि उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है इतने सालों से कम होती जा रही है, चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन अभी बढ़ना चाहिए, अगर मुझे फॉर्मूला पता चल जाए तो मजा आ जाए। कितने जन ये जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं टाइप करिए यस। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप जानना चाहते हैं, क्या आप या कितने लोग इसके लिए टाइम और मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर आप टाइम और मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाइप करिए यस। सागर सेज यस, सनी सेज यस, यस, ओके, नितिन सेज यस, ओके, 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 अतुल मिश्रा सेज यस, ओके। सो एक बात ध्यान रखना, अगर आप टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो ये वेबिनार का कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने बहुत जगह से सीखा होगा, लेकिन एक्शन स्टेप लेंगे, फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे धंधे में, तो जाके आस्ते 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 करके आपका मार्जिन्स बढ़ेगा, आप प्राइस वॉर से निकल पाओगे। तो अगर आप टाइम और मनी इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ये सही में करेंगे तो लिखिए इधर यस, माँ कसम मैं करूंगा, आई प्रॉमिस, इधर लिखिए प्रॉमिस मैं करूंगा, राइट इन अ चैट बॉक्स, यस प्रॉमिस आई विल डू दैट।
ओके गुड। तो माय नेम इज सतीश विलायत और आज का वेबिनार का नाम है हाउ टू क्रिएट योर यूएसपी एंड इंक्रीज रेवेन्यूज अप टू 10x। आज का वेबिनार का नाम ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाथ जोड़ के सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत सारे जन को इनविटेशन गया था लेकिन कुछ अंदाजन अभी 125 लोग हैं जो ये वेबिनार में हैं। ये आपके बारे में एक चीज बताता है कि आप एक जिम्मेदार इंसान है। आपको अपनी जिम्मेदारी तो है ही है लेकिन आपको आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, आपको जो लोग आपके पास काम करते उसकी जिम्मेदारी है, आपको देश की जिम्मेदारी है। और आज जो लेवल पे आपका बिजनेस है जस्ट बिकॉज यू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल तो ही आप ये बिजनेस ये लेवल तक लेके आए हो। यू हैव बीन ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और मैं ये कहना चाहूंगा ये जो लोग हमारे पास है अभी 126 लोग हैं, ये लोग जिधर भी पहुंचे हैं बहुत सारी तकलीफें आई लेकिन उन्होंने ये तकलीफों के बावजूद एक्शन लेके ये लेवल तक बिजनेस लेके आए हैं। सो यू हैव बीन ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड आई वॉन्ट यू टू गिव योर सेल्फ ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अपने लिए खुद एक मस्त ताली बजाइए और क्लैप करिए अपने खुद के लिए। यस वी नीड दिस एंड यू आर वर्थ एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन। थैंक यू वेरी मच। काइंडली टाइप क्लैप क्लैप क्लैप। मेरे को चैट बॉक्स पे दिखना चाहिए, ये पूरा सेशन इंटरक्टिव रहने वाला है। So I want people to type yes, yes, no, maybe, claps, yeah, Parth Agarwal ne dala, clap, okay, clap for yourself because मैं ऐसे कहता हूं कि courage क्या है? Courage वो चीज है जो आदमी action लेता है एक difficult माहौल में। Taking action in diversity is courage। ये तकलीफ के बावजूद आज अंदाजन 2 महीने होने आएंगे लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे खुलेगा तो और डबल काम करेंगे। दिस इज हु यू आर। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द वेबिनार। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग दिस वेबिनार फॉर एवरीबॉडी। नेक्स्ट मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगा इफ आई हैव योर परमिशन सो दैट यू नो हु आई एम। सो कैन यू काइंडली गिव मी अ परमिशन फॉर फ्यू मिनट्स सो आई कैन टेल हु आई एम। इफ काइंडली टाइप यस इफ I can share something about myself. Okay? Okay. Thank you very much. Okay, कुछ ground rules. Paper pen ready रखिए, आप अपना mic और video off रखिए so that आपका quality better रहे. Please be seated in upright position on table and chair. Use raise hand for any query will be answered as per our convenience. Okay. For any challenge, कुछ challenge आएगा तो ये number पे आप call करिए. ठीक है, हम लोग ने 12 बजे चालू कर दिया है ऑलरेडी। यूज चैट बॉक्स फॉर एनी कमेंट्स। ओके अभी मेरा नाम है सतीश विलायत, मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मैंने MSc किया हुआ है। मैं एक लैंडमार्क ग्रेजुएट भी हूँ। मैं तुम्हारे जैसा एक बिजनेस चलाता हूँ, कंपनी का नाम है बिटसी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आप कभी भी गूगल पे सर्च करिए, देखिए ये मैं कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास 50-60 लोग काम करते हैं। तो मैं आप जैसा बिजनेसमैन हूँ, फर्क खाली है कि मैं कैमरा के इस तरफ हूँ, आप उस तरफ है। ओके ये कंपनी मैंने मेरे पास कोई पैसा नहीं था, विदाउट एनी मनी इन हैंड मैंने कंपनी चालू की थी। मैं एक मैराथन रनर हूँ, अब तक 1800 किलोमीटर और बहुत सारे 10-21 किलोमीटर के रन मैं रन कर चुका हूँ। एट प्रेजेंट मैंने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है अक्रॉस इंडिया और 27 बैचेस मैंने खत्म की है एक साल की, और इसमें 10 बैचेस मैंने स्मार्ट के फाउंडेशन गुरुकुल के लिए किए हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके ये मेरी वाइफ है आयशा, शी इज इनटू ग्रूमिंग इमेज कंसल्टेंसी में है। ये भी बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स लेती है लोगों के लिए जो अच्छा ड्रेसअप करना चाहते हैं, तो दैट शी डज। ओके बिसाइड्स मैनेजिंग माई बिजनेस ही इज डॉक्टर अजिंक्य राउत जो आपको दिख रहे हैं, ही इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये बंदा इम्प्लीमेंटर है, ये बंदा ट्रेनर है। ओके प्रैक्टिस कर रहा है लास्ट 9 साल से, BNI का एक डायरेक्टर है, ही इज ए कंसल्टेंट डायरेक्टर इन BNI और ये पैशनेट है ट्रेनिंग के बारे में। मेरे साथ बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स ये को लीड करता है और ये फैसिलिटेट करता है, कोचिंग देता है लोगों को जो हमारे पास एनरोल्ड है। तो दिस इज हु इज। ओके
नाउ सबका क्वेश्चन ये होगा कि ये धंधा है तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो ये क्यों कर रहे हो? तो इसके बारे में एक स्टोरी बोलना चाहूंगा। 10 साल पहले ऐसे हुआ था कि जैसा मेरा बिजनेस चल रहा था, मेरा एक दोस्त था, उसका भी बिजनेस वैसे चल रहा था। एक साल में मेरा प्रोग्रेस 10% होता था, तो उसका प्रोग्रेस 20%, 30% होता था। मैं हमेशा सोचता था ये 30%, 40% प्रोग्रेस कर कैसे रहा है, और मैं सोचता मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जो मेरा बिजनेस 10-15% बढ़ रहा है। लेकिन 2 साल हुए, 3 साल हुए, उसका 4 या 5 साल में बिजनेस है ना 3 गुना हो गया। एक दिन सुबह को न्यूज आई कि उसने सुसाइड कर लिया। मैं बोला बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, क्यों उसने सुसाइड किया? जब मैंने तय तक गया तो मुझे ये समझ में आई बात, बहुत सारी चीजें थी वो जो संभाल नहीं पाया, बरोबर फाइनेंस संभाल नहीं पाया, बरोबर एक्सपेंशन संभाल नहीं पाया। तो अब भी मुझे ऐसे लगा कि ऐसी कोई चीज है जो हम धंधे वालों को पता नहीं है। हमें अगर वो चीजें पता चल जाए तो जिंदगी और धंधा करना आसान हो सकता है। उस समय पे मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, तो मैंने सीखना शुरू किया, मैं सेमिनार अटेंड करना शुरू किया, मैंने समझना शुरू करना शुरू किया, और मैंने बेस्ट ऑफ द बिजनेस कोचेस से ट्रेनिंग ली है, मैंने पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग ली है। नहीं तो मुझे अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो मेरा आवाज इतना सॉफ्ट हुआ करता था कि आबाजू वाले आदमी को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैंने सीखा है, ये कौशल्य मैंने हासिल किया है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि बिजनेस जो है ना ये कोई कारीगरी नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखनी पड़ेगी। तो हर एक साल मैंने एक बजट फिक्स किया है जिसके अंदर मैं नई नई चीजें सीखता रहता हूँ, और लास्ट 7 साल से मैं ये बैचेस लेते आया हूँ। जो भी चीज मुझे लगता है कि हमारे जैसे धंधे वालों को काम आती है, मैं प्रैक्टिकल बिजनेसेस में इंप्लीमेंट करता हूँ, उसका सक्सेस देखता हूँ, और फिर वो मैं सिखाता हूँ। तो ये मैं पैशनेटली करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि लोगों को अपने फैमिली के लिए टाइम ना हो, लोगों को धंधा बढ़ाने के लिए कैसे करना चाहिए, धंधा बढ़ाना चाहिए वो नहीं पता हो, तो ये मैं अवेलेबल करता हूँ। तो दिस इज आउट ऑफ पैशन व्हाट आई डू। सो मेरा एक ही पर्पस है, टू मेक पीपल्स लाइफ इजियर। मैं सीखते हुए अपनी जिंदगी तो आसान करता हूँ, लेकिन दूसरों को सिखाते सिखाते खुद की जिंदगी भी आसान होती है। तो दिस इज व्हाट आई डू कि लोग बिजनेसमैन है जो SME सेक्टर के, उसके लिए मैं काम करता हूँ। वैसे मेरा बिजनेस हार्डवेयर को लेके, मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करता हूँ, गैजेट रिपेयरिंग करता हूँ, सर्वर्स एंड नेटवर्किंग करता हूँ, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट हूँ बहुत सारे एयरपोर्ट में। ये बिजनेस हम लोग ने 7 साल पहले ज्वाइन किया है, ये हम सप्लाई करते हैं बहुत सारे एयरपोर्ट में। आपने देखे होंगे ऐसे एडवर्टाइजमेंट कियोस्क पे चलते हैं, बड़े वीडियो वॉल्स होते हैं, एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे तो बड़े वॉल्स होते हैं जिसके अंदर एक ही इमेज चलता है, वो हम लोग डिप्लॉय करते हैं। हम लोग ने गुवाहाटी एयरपोर्ट, फिर मैकडॉनल्ड्स है, काफी सारे हमारे कस्टमर है। आप ये वेबसाइट पे जाओगे तो समझ में आएगा, हम रियलिटी शो के पीछे जो बड़े वीडियो वॉल्स लगते हैं, पिच LED वॉल बोलते हैं, वो करते हैं हम लोग, कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह सेट करते हैं। दिस इज अ बिजनेस व्हाट वी डू। ओके, ये मेरे कुछ सेशंस हैं जो रिसेंटली लिए हैं, उसके कुछ फोटोग्राफ्स है। ओके, ये एक कोर्स है हमारा जिसका नाम है बिजनेस मंत्रा। ये 1 साल के लिए चलता है, अभी हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया ऑनलाइन सेशंस। इस पे 24 सेशन होते हैं, 2 घंटे का एक सेशन होता है जो सुबह को 7 से लेकर 9 बजे तक होता है, सो दैट यू आर फ्री आफ्टरनून टू डू योर बिजनेस। बाद में 15 दिन का गैप होता है, महीने में 2 होता है, तो 15 दिन के गैप में हम आपके बिजनेस में चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं। जिनके है ऐसे हमारे पास टीम है जो आपको कोच करती है, देखती है कि जो आपने सीखा आपने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। इससे फायदा ये होता है कि आप सीख जाते कि कल उठ के मेरे बिजनेस में अगर कोई तकलीफ हुई तो ये नुस्खा है। जैसा आज एक नुस्खा शेयर करने वाला हूँ आपसे, ये नुस्खा है निकलने के लिए। तो आप वो टाइम और मनी इन्वेस्ट करोगे तो वो नुस्खा आप एप्लीकेबल करोगे आपके बिजनेस में, तो धंधा बढ़ता ही बढ़ता है। तो दिस इज एक है। दूसरा हमारा है प्रॉफिट मंत्रास, ये हमारा सुपर स्पेशलिटी है। इसके अंदर हम सेल्स कंसल्टेंसी देते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। आपके बिजनेस में जब शुरुआत होती है, जब हम शुरू करते हैं आपके साथ काम करने के लिए, तो ये देखते हैं कि आपके सेल्स वाले कैसे बेच रहे हैं, क्या चीजें करेक्शन करने की जरूरत है, किधर आपको नहीं बेचना चाहिए, कौन से एडवर्टाइजमेंट्स करने चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ये प्राइस वॉर जो मैं छोटा सा चीज आज शेयर करने वाला हूं, प्राइस वॉर से कैसे निकलना चाहिए, स्पेशल फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग ऑफ सेल्स के लिए,
आपके सेल्स वालों को एक्सपर्ट सेल्स वाला कैसे बनना चाहिए, सेल्स फनल्स कैसे बनाने चाहिए, सेल्स किट कैसे बनाना चाहिए, सेल्स का स्क्रिप्ट कैसे होना चाहिए, ईमेल ऑटोमेशन क्या कैसे होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का सही चैनल कौन सा आपके धंधे के लिए कौन सा चूज करना चाहिए, ऑटोमेशन सीआरएम कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये पूरे प्रोसेस को मिनिमम 6 महीने लगते हैं, लेकिन घुसने से एंड तक आपके कंपनी को ऐसे बना देते हैं कि अभी आपके पास 5 आदमी होंगे लेकिन कल उठ के 50 होंगे, 500 होंगे, तो सबका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, सब सेम स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो आपका ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ता है। और ये अकेला मैं नहीं लेता, मार्केट के एक्सपर्ट लोग 20-20 साल तक जिसने सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाए हैं, जो आदमी गूगल के टॉप आदमियों में माना जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन में, उससे हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, ईमेल ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स आते हैं आपके कंपनी के पास, सिखाते हैं वो कैसे करना चाहिए सो दैट कि आपका प्रॉफिट बढ़े। सो दिस इज व्हाट वी डू इन प्रॉफिट मंत्रास। ओके, आज वेबिनार से आपको क्या मिलेगा? एक चीज आपको मिलेगी कि प्राइस वॉर से कैसे निकलना चाहिए बाहर। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड टू कम आउट ऑफ द प्राइस वॉर? आई वांट यू टू टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, वेरी नाइस। सो लॉट ऑफ राहुल इज ऑल्सो देयर, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, राहुल टेंडुलकर। सो यू वांट टू कम आउट ऑफ द प्राइस वॉर। ओके, जो एंड तक ये सेशन में रहेंगे ना, आई एम गोइंग टू गिव देम ए फ्री वीडियो, हाउ टू यूज लॉकडाउन टाइम सेंसिबली फॉर ग्रोथ। ये मैंने वीडियो कल रात को ही अपलोड किया है, ये अंदाजन 2 घंटे का वीडियो है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर अभी ये लॉकडाउन के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये 2 घंटे के वीडियो में मैंने सब बताया कि आपके एक्शन स्टेप्स कैसे डिवाइस करने चाहिए। तो एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द वेबिनार मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। ओके, अभी सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पीपल गेट दिस ऑब्जेक्शन दैट दे आर गेटिंग अ बेटर प्राइस, व्हाई डज द प्रोस्पेक्ट से दैट। आप कोई भी कस्टमर के पास जाते हो, वो कस्टमर बोलता है तुम्हारा प्राइस महंगा है, मार्केट में सस्ता मिल रहा है। ऐसा जब कस्टमर बोलता है तो ऐसे क्यों बोलता है? आपको क्यों लगता है कि वो कस्टमर ऐसे क्यों बोलता है? जो भी आपको कमेंट देना है आप चैट बॉक्स पे दीजिए, तो मैं पढ़ सकता हूं कि आपने मेंशन क्या किया है, क्यों देता है कस्टमर ऐसा। टू बार्गेन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। टू क्रिएट प्रेशर ऑन अस, ओके। प्राइस नेगोशिएशन टेक्निक, कॉम्पिटिटर मिला होगा, हैबिचुअल नेगोशिएशन, ओके। टू गेट डज नॉट फाइंड डिफरेंस, वॉन्ट टू क्रिएट प्रेशर, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेशर देता है। टू रिड्यूस अवर मॉरल, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, ओनली फोकस ऑन प्राइस नॉट इन क्वालिटी, ओके। लैक ऑफ ब्रांड, सागर बोल रहा है, और इनोवेशन, वेरी गुड, ओके फाइन। सो ये कुछ रीजंस है आपको लगते हैं कि प्रॉस्पेक्ट तुम्हें प्राइस बेटर करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नेगोशिएट करना चाहता है, लैक ऑफ ट्रस्ट है इसके कारण वो करता है, वेरी गुड। तो मेन प्रॉब्लम ये दिखता है कि प्राइस के ऊपर ही लोग खेलते हैं, येस और नो? यस, ओके फाइन। 70% ऑफ द सेल्स अकर व्हेन द प्रॉस्पेक्ट्स हैज टोल्ड नो 3 times। 3 बार जब कस्टमर ना नहीं बोलेगा तब तक वो खरीदता नहीं है। अगर वो पहली बार में हाँ बोल दे हुए, और क्या चाहिए आदमी को? आज जिंदगी लेकिन इतनी आसान नहीं होती। ओके, मैं एक पोल कंडक्ट करने वाला हूं अभी, उसके अंदर क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पीपल फील दैट इट बॉइल्स डाउन टू प्राइस। कितने लोग जो ये वेबिनार में 136 पीपल आ देर, कितने लोगों को लगता है कि ये प्राइस पे ही फाइनली बॉइल डाउन होता है? तो आई एम टेकिंग दिस व्हाट इज ए पोल, आप खाली उस पे आंसर करिए। तो आई एम लॉन्चिंग दिस पोल, सब यस और नो टाइप करिए। ओके, सब लोग टाइप करिए, खाली 30, अभी 40 जन ने टाइप किया है, ओके 54 जन ने टाइप किया है, ओके ओके 66 जन ने टाइप किया है, ओके 129 पीपल है टोटल, उसमें से 670 लोगों ने खाली टाइप किया है, ओके 71, ओके। तो वूपिंग 60% ऑफ द पीपल फील
कि फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू प्राइस. वेरी नाइस. ओके, अभी एक छोटा सा मॉक करते हैं. अजिंक्य, काइंडली यू कैन चूज समबडी. अभी मॉक क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते होंगे. सपोज मैं आपका कस्टमर हूं, अगर आपको वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचनी है मेरे को, तो आप कैसे बेचोगे मेरे को? कोई भी आदमी वॉलंटियर कर सकता है. फाइन, अजिंक्य यू चूज हु वांट्स टू वॉलंटियर. जिसको भी वॉलंटियर करना है हाथ ऊपर करें. कैन या इफ यू वांट टू वॉलंटियर प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस और यू कैन रेज योर हैंड. मिस्टर संदीप हैज वॉलंटियर्ड. ओके, मिस्टर संदीप. ओके, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. मिस्टर संदीप, या मिस्टर संदीप यू आर ऑनलाइन. या मिस्टर संदीप यू आर ऑनलाइन. ओके ओके ओके. या मिस्टर संदीप. या मिस्टर संदीप. जी सर. सर अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हम वी आर डोर मैन्युफैक्चरर्स एंड वी आर लीडिंग डेकोरेटिव डोर्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया. अगर मेरी एक ही चीज में डोर्स की अगर बात करूं, तो एक ही शोरूम के अंदर हमारे पास अगर घर का मकान देखा जाए, तो आपके घर में लगने वाले जितने भी डोर्स होंगे वो अलग अलग सेगमेंट के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. बट हमारे इसमें, हमारे शोरूम में आपको हर एक फीचर्स की आपको मिलेंगी डोर्स. जैसे पीवीसी डोर हो गया, जैसे आपके मकान का एंट्रेंस जिस डोर से होता है वो टिकवुड डोर, और वो हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इनोवेटिव ऐसा हमने बनाया है. और उसी के आपको क्या करना है, समझो मैं आपका कस्टमर हूँ. जी ठीक है, मैं आपका कस्टमर हूँ, आप मुझे बेचिए. आपका प्रोडक्ट के लेने के लिए मैं आया हूँ. आप जब बेचते हो तो क्या बोलते हो मुझे, कस्टमर समझ लो. जी जी सर, बताइए सर. आप क्या डोर्स में, आपको मकान अभी आप फिलहाल आपका बन रहा है, तो मैं जान सकता हूँ सर कि आपके मकान में कितने डोर्स की रिक्वायरमेंट है फिलहाल? मेरा प्रॉब्लम ये, मेरा जो मेन डोर है ना वो थोड़ा हल्का है. मेरे को मेन डोर के लिए एक डोर लेना है, और मेरा बालकनी के लिए एक डोर है. ये दो डोर लेने हैं मेरे को, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ. ओके, तो सर आपका अगर एंट्रेंस का डोर अगर थोड़ा हल्का है, तो क्या उसको आप प्रीमियम में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आपकी कैसी चॉइस है? वो आपको मुझे सजेस्ट करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता डोर के बारे में ज्यादा. ओके ओके, तो मैं आपको बेस्ट ऐसा आइडिया देता हूँ सर कि हमारे इसमें जो अभी टिकूर का जो डोर है वो इतना जबरदस्त है सर, जिसका क्रिएशन. और मैं मानता हूँ सर कि जो आपका घर का जो एंट्रेंस है उसका ये दरवाजा बहुत ही ज्यादा शोभा बढ़ाएगा सर. तो टिकुड़ में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप टिकुड़ के साथ जाइए, और कार्विंग उसमें जबरदस्त होती है सर, जो एकदम डेकोरेटिव सेगमेंट में एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी. ओके, और बालकनी के लिए मैं आपको एफआरपी सजेस्ट करना चाहता हूं सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ लिखा है बालकनी में थोड़ा धूप भी लगता है, थोड़ा पानी भी लगता है, तो एफआरपी वो जो हमारा डोर है वो दोनों चीजों को सहन कर सकता है. तो आई विल सजेस्ट एफआरपी फॉर योर बालकनी. ओके, क्या प्राइस होगा ये जो मेन डोर के लिए, जो टिकवुड वाला डोर चाहिए उसका प्राइस क्या होगा? सर टिकवुड वाला है जो, वो अराउंडली 1000 rupees एसएफटी जाता है सर. तो आपको अराउंडली सपोज आपके डिपेंड्स ऑन योर स्क्वायर फुट, आपका क्या स्क्वायर फुट आ जाएगा, 6 का होगा तो 18000 rupees हो गए. जी 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 ठीक है, उतने वाले. लेकिन ये जो प्राइस आप बता रहे हो ना, मैं कल गया था किधर, उसने तो मेरे को काफी कम प्राइस बोला, तो आपका क्यों ज्यादा है प्राइस? सर इसका डिफरेंस ये सर, क्योंकि ये जो हमारी प्रोडक्ट है आपको मार्केट में कहीं मिलेगी ही नहीं सर. ओके, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन है अभी, अगर आपको दिखा भी होगा, जी हाँ मैं मानता हूँ टिकुड़ बनता है, पर जो क्रिएशन हमारा है उस क्रिएशन में आपको मिलेगा ही नहीं, दैट आई एम डैम श्योर. क्योंकि हमारा जो टिकुड़ है वो वलसाड़ी टिक में हम बनाते हैं, और वलसाड़ी टिक की जो लालच पड़ती जो खासियत है ना सर, वो लालच पड़ती मतलब जो पॉलिश उसकी आती है, जो फिनिशिंग उसकी आती है, जो फिगर उसकी आती है, वो तो आपको उस स्टोर्स में मिलेगी ही नहीं. क्योंकि हाँ बेटर शायद उसको आपको चीप रेट में आपको बाहर से मिल रहा होगा, और आपको मिले भी होंगे, बट आप कंपेयर कीजिएगा उस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट को, देन
आप समझ पाओगे कि क्या क्यों रेट में डिफरेंट है। वो जिससे मैंने पूछा है उसने भी मेरे को यही सब चीजें बोली है कि उसकी क्वालिटी वगैरह अच्छा है, लेकिन आपके आपका प्राइस क्यों ज्यादा वही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। देखिए सर, बोलने की और प्रैक्टिकली बात दोनों अलग अलग होती है। अगर मैं डिफरेंशिएट बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इसमें मिनिमम 12 आवर्स कार्विंग होती है स्टोर्स के अंदर। ओके। जो मैं जो इसके ऊपर उतना काम होता है तभी जाके इसकी क्रिएटिविटी वो बनती है। ओके, गॉट इट, दैट्स द, समझ गया। सो थैंक यू वेरी मच संदीप फॉर वॉलंटियरिंग। आई गिव यू अ बिग राउंड अप्लॉज फॉर शेयरिंग जिस तरीके से आपने बेसिकली कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा क्वेश्चन सबको ये है कि आपने अपने आप को संदीप जैसे सेल कर रहा था, अपने आप को कितने जन ने देखा कि हम भी ऐसा करते हैं। इफ यू डू द सेम थिंग कि आप बेचते जाते हो तो क्वालिटी के बारे में बात करते हो, आप बात करते हो कि हमारा यूनिक है और वलसाड़ी वाला जो पॉलिश है वो किधर मिलेगा नहीं, कितने जन ऐसे ही डायलॉग यूज करते हैं। अगर आप ऐसे ही डायलॉग यूज करते हो तो काइंडली टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, Somebody said no also, okay. Sharad Ahir, okay. Dinesh Pawar says yes, okay. Yes, 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 okay. Yogendra says no, okay, okay. So a lot of people are saying yes. मैं समझ सकता हूँ कि 100 में से 80-90 people यही तरीका use करते होंगे बेचने का, okay. तो अभी हम लोग इसको एक example लेके आगे use करेंगे. Let us go to the next question. कॉमन डायलॉग क्या रहते हैं कि हमारा क्वालिटी अच्छा है, हम अपना कमिटमेंट फुलफिल करते हैं, हम फास्ट सर्विस देते हैं, हम सस्ता प्राइस और बेटर क्वालिटी देते हैं, हम सेम डे डिस्पैच देते हैं, वी आर वेरी ओल्ड इन द बिजनेस, वी बिलीव इन रिलेशनशिप, नो प्रॉब्लम। ये जो भी आपके आंसर होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अभी फॉर्मूला देखते हैं कि इसमें से हम कैसे निकल पाए जहाँ पे प्राइस में आदमी या कस्टमर हमें घसीटे नहीं। तो लेट अस सी द फॉर्मूला। सबसे पहला एक काम करिए, सबके पास पेन पेपर है? मैंने डे वन से बताया था कि आपके पास पेन पेपर होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, आप उसके नाम लिखिए। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है आप उसके नाम लिखिए, उसके नाम लिखिए। सबसे पहला तो यह है कि जो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब जैसा आप बिजनेस करते हैं सेम टू सेम डिटो वो बिजनेस करता है, वो जो कस्टमर आप बेचने जाते हो वही कस्टमर को वो भी बेचता है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज्वेलरी की दुकान है तो आपके कॉम्पिटिशन के पास भी ज्वेलरी की दुकान है, वो सेम कस्टमर को बेचता है, तो ये आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। तो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कौन है उसके आप नाम लिखिए। सेकेंड है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन में वो लोग जो आपका प्रोडक्ट भी बेचते हैं और दूसरी चीजें भी बेचते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा मेरे बिजनेस का कि मेरा लैपटॉप का और डेस्कटॉप का शोरूम है, तो शोरूम में मैं खाली लैपटॉप डेस्कटॉप बेचता हूँ, लेकिन मेरे बाजू में एक बड़ा स्टेशनरी स्टोर है, वो स्टेशनरी भी बेचता है, वो खिलौने भी बेचता है, वो कंप्यूटर भी बेचता है, वो मोबाइल भी बेचता है, तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन है बिकॉज वो हमारे प्रोडक्ट भी बेचता है और अपने प्रोडक्ट भी बेचता है। आपके जो ई पोर्टल्स है, जो आपके अमेजॉन्स है और फेसबुक क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट है, ये सब आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। ओके, सो वो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गए। तीसरे होते हैं रिप्लेसमेंट कॉम्पिटिशन। रिप्लेसमेंट कॉम्पिटिशन ऐसा है कि एक जमाने में आप पीली और काली टैक्सी में सफर किया करते थे, अभी उसका रिप्लेसमेंट आ गया है ओला या उबर। एक जमाने में आप डेस्कटॉप बेचते थे, उसका रिप्लेसमेंट आ गया है लैपटॉप, उसका रिप्लेसमेंट आ गया है टैब, उसका रिप्लेसमेंट आ गया है मोबाइल। तो आपका जो चीज आप बेचते हो दूसरे लोगों ने दूसरी कुछ चीजें बेचना शुरू की जिसके कारण आपका धंधा जो है वो खतरे में है। तो ये जो कंपटीशन वाले लोग हैं ये रिप्लेसमेंट कंपटीशन वाले लोग हैं। तो मैं आपको सबको 2 मिनट का टाइम देता हूं ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप सब कुछ चीज सीख रहे हैं? अगर आप सीख रहे हैं तो आप टाइप करिए यस। ओके,
तो मैं आपको अभी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये 2 मिनट टाइम के अंदर आप लिखिए कि आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है और रिप्लेसमेंट कॉम्पिटिटर कौन है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Sir, can you make Dimple the co-host? I'll do that. Please. Seconds to go. Okay, 15 seconds to go. Ten seconds. 5 seconds, 4, 3, 2, 1, stop, stop करिए. अभी चैट बॉक्स पे लिखिए कि आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन का नाम लिखा है, तो मैं देखना चाहता हूं कि सब सही जा रहे हैं कि नहीं. ओके, लिखिए. टाइमैक्स कल्पत्रु, ओके, मिस्टर मितेश पटेल ने लिखा है, टाइमैक्स और कल्पत्रु उनके कंपटीशन में है. ओके, सोप्टास मंगईकर ज्वेलर्स, 20 years old ज्वेलर्स शॉप, मंगईकर ज्वेलर्स. ओके, अरविंद मिल. ओके, मुझे चाहिए आउट ऑफ 137 पार्टिसिपेंट्स, आई वांट पीपल टू शेयर. हाँ, वी डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन, वेरी गुड. Direct, okay. Kalpatru and Timex, okay. Then Parth Patel ne likha hua hai. Recliner India and Little Nap, okay. ठीक है. तो बहुत सारे लोग समझ गए question, so they have written it rightly. Now let us go to the second question. ये बहुत ध्यान से समझना है. आपके पास कोई prospect आता है, कोई customer आता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को उसको मद्देनजर नजर रखते हुए इसको आंसर करना है. व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू फॉलो आफ्टर गेटिंग ए लीड टिल द लीड गेट्स क्लोज्ड एंड फुली सर्विस्ड. इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कस्टमर का कॉल आता है, आप वो कॉल में क्या ट्रीटमेंट देते हो? हेलो बोलते हो, ग्रीटिंग बोलते हो, फिर उसको समझते हो, फिर उसका समझ के हिसाब से कोटेशन देते हो, फिर कोटेशन देने के बाद फॉलो अप करते हो, फिर फॉलो अप करने के बाद में आप ऑर्डर कंफर्मेशन लेते हो, फिर आपका परचेज ऑर्डर आता है, फिर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो. एग्जीक्यूट में अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है जो साल भर में साल भर की सर्विस देनी पड़ती है, तो साल भर आप एएमसी देते हो या ज्वेलर बेचते हो, तो उसको कुछ बाद में अगर ज्वेलरी में कुछ कालापन आ गया तो क्या वो तुम सर्विस देते हो? तो ये एक साइकिल है, कस्टमर का ट्रांजेक्शन साइकिल. तो ये साइकिल में आप क्या क्या करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रिटेल का है. सबसे पहला ग्रीटिंग देते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम पूछते हैं व्हाट कैन आई हेल्प यू बाय, फिर बाद में हम लोग उसके अंदर क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए वो लिखते हैं, फिर बाद में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं बेचने के लिए,
जिसको हम फैबिंग बोलते हैं, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शन अगर कस्टमर का आता है तो हम सेल्स किट यूज करते हैं। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जो आज मैं बताने वाला हूं ना, वो सिर्फ 25% है सेल्स किट का। अगर आपको सेल्स किट बनाने को आ जावे ना, तो आपका परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन सेल्स का है ना बढ़ते जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा कि सेल्स किट अगर आपको सीखनी है तो कैसे सीख सकते हैं। आज आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ये सीखने के लिए, तो सेल्स किट कैसे यूज करने का, ओके, देन उसको पूछना है बिल क्या नाम पे करना है, और बिल करने के बाद में क्रॉस सेलिंग करना है, फिर बताना है थैंक यू फॉर द ऑर्डर। ये मेरा प्रोसेस है रिटेल सेल का, ओके। सिमिलरली आपके उधर कुछ प्रोसेस होता होगा, वो आपको लिखना है क्या आप करते हो। तो मैं उसके लिए टाइम दे रहा हूं आपको 3 मिनट का, तो आपको लिखना है कि स्टार्ट टू एंड प्रोसेस क्या है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दो मिनट बाकी है। One minute more to go. Forty-five seconds more to go. Thirty seconds. Okay, five seconds to go. Okay, stop. Okay, तो सब लोग ने लिख लिया। अभी क्या करिए, जो भी आपने लिखा है ना, उसमें से एक दो पॉइंट है ना, कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है, या somebody can raise hand और शेयर कर सकता है कि उसने क्या लिखा है। सो मुझे समझ में आया कि आप लोग ने समझा बरोबर है, तो काइंडली रेज हैंड हु वॉन्ट्स टू शेयर। ओके, नोबडी इज रेजिंग हैंड, एनीबडी? हाँ, सागर हैज रेज हैंड। ओके, देयर इज, वेट, आई विल जस्ट
I'm just looking out if there is anybody else. Mr. Sagar has raised hand. There are members with EA2AB. Sir, please, if we could have your name, that would be good. Mr. Suraj Chete has his hand. Whom would you want to take? Suraj, you take because Sagar is known to me. Okay. So let's, Mr. Suraj, aapke liye. Mr. Suraj, please go ahead. Yeah, Mr. Suraj. Okay. Mr. Suraj. Go ahead, Mr. Suraj. आपका आवाज नहीं आ रहा है. So let us take Sagar. In case okay, let's take Sagar. Hello, sir. Yes, Sagar. बोलो. Yes. सर पहले तो कस्टमर का हम नीड जानते हैं, ग्रीटिंग्स वो सब कुछ तो होते रहते, बेसिक फॉर्मेलिटीज. ओके, जब मेन पार्ट आता है तो पहले कस्टमर के एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, उसका परचेज कैपेसिटी कितना है. ओके, ठीक है, और उसको क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है. रिगार्डिंग समझो कि हमारा डोर का बिजनेस, तो डोर के बारे में उसका क्या परसेप्शन है. हाँ. वो थोड़ा हम बहुत कुछ जान लेते हैं, उसके बाद जो उसको लिए जो रहते हैं सजेशन वो देते हैं, जो उसके लिए अच्छी प्रोडक्ट्स देते हैं वो सजेशन करते हैं. ओके, तो ये आपका स्टेप रहता है जब कस्टमर आपके पास से वो डोर लेके जाता है, उसके बाद आप कुछ करते हो. हाँ, जब डोर लेके जाता है तब हम उसको एक सरप्राइज गिफ्ट देते है. ओके, और उसके बाद जो भी कोई प्रॉब्लम आते हैं, यानी 1 month 2 month आफ्टर 2 years कभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व करते हैं सर. ओके, गॉट इट. सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर अजिंक्य. टेक राजेश नाउ. मिस्टर राजेश, हाय. यस राजेश, आर यू एबल टू हियर मी? यस, एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ गैस डिटेक्शंस. We are supplying gas detectors to industrial sectors. So whenever any customer comes to us for his requirement, we definitely ask him his details for which section he requires, for which application he requires the gas detectors. So once we understand his complete requirement, even we do visit the site, understand his requirements at the site with the technical persons, and then we do supply the products to them. These products are where we have to give services throughout the year also. Okay. So we do take the AMCs also for those products. Okay. By understanding their requirements. Okay. So this is how we do business. This is a cycle. Yeah. Okay. Fine. So you have made a note of it, right? One after the other. Yeah. Good. Thank you very much for sharing. So I think so everybody is on the right track. तो आपको सीक्वेंस लिखना है. अभी आपको नेक्स्ट एक चीज करनी है. ओके, ये जो लिस्ट बनाया है ना, उसमें से आप स्ट्राइक ऑफ करिए वो सब चीजें जो आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है फ्रॉम योर लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा लिस्ट है तो ग्रीटिंग तो सामने वाला भी करता है, ये ड्रेस वगैरह सब कुछ सामने वाला भी करता है, ये डायलॉग ये भी यूज करता है, ये सब भी ये करता है, सैंडविच फॉर्मूला भी यूज करता है, ये भी यूज करता है, प्राइस ऑब्जेक्शन भी हैंडल, सेल्स किट यूज करता है. तो ये जो चीजें आपका कंपटीशन भी करता है ना, उसको आप क्रॉस करते जाइए. जो भी आपने लिखा है, कोई भी कॉम्पिटिटर है वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिप्लेसमेंट कॉम्पिटिटर, इसमें से कोई भी आदमी अगर ये काम करता है तो आप उसको चौकड़ी मारिए. उसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ एग्जैक्टली 1 मिनट का. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Seconds to go. Okay. 15 seconds to go. Five, four, three, two, one. Good. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज.
ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने जन के पास कुछ भी चीज नहीं बची, ये सब क्रॉस करने के बाद है ना, जितनी भी चीजें क्रॉस की है उसके बाद में कितनी चीज नहीं बची आपकी, सब स्ट्राइक ऑफ हो गई, चीजें बची नहीं, ऑल स्ट्राइक ऑफ। एक पोल कंडक्ट करते हैं इसके लिए कि जितने जन का सब कुछ स्ट्राइक ऑफ हो गया है तो यस टाइप करें, जिसका कुछ चीज रिमेनिंग है वो नो टाइप करें। तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, आपको यस या नो में जवाब देना है। योर पोल स्टार्ट्स नाउ। ओके ओके, ओके ओके, तो वूपिंग 70% लोग ये बता रहे हैं कि आपने सब स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। 70% लोग ये बता रहे हैं कि आप लोग ने ये स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है। मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ रिजल्ट। ओके, 70% लोग ये बता रहे हैं कि आपके आप जो काम करते हैं वो सेम काम दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है, अगर जो आप करते हैं वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी करता है तो तुमको ज्यादा प्राइस क्यों देगा वो? Why he will give you more price? आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं देता है, तो ही आपको आपका प्राइस ज्यादा करेक्ट करके मिलेगा, आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो एम आई मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, काइंडली टाइप यस ऑन द कमेंट बॉक्स। टाइप करिए यस। ओके ओके, गॉट इट। ओके, so now the next question, what is the competition offering and you are not? Competition kya offer kar raha hai jo aap offer nahi kar rahe ho? Likhiye, aapne competitors ke naam likhiye hain, competition aisa kya offer kar raha hai jo aap nahi offer kar rahe ho? Iske liye main aapko 3 minute ka time de raha hu. I'm giving you 3 minutes time to write about this, because aapko usme sochna padega. Okay, so your time starts now. Kya competition packaging acha de raha hai? Kya competition delivery de raha hai? Kya competition ke paas variety hai? Wo variety de raha hai? Okay, competition jo hai wo price to de hi raha hai acha, lekin uske alawa दो तीन चीजों की और सुविधा दे रहा है, उसके पास नॉलेज अच्छा है, उसके पास टीम अच्छी है, ओके, वो डिलीवरी डोरस्टेप पे देता है, ओके, वो आफ्टर सेल सर्विस में दो तीन चीजें करता है जो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वो पीली और काली टैक्सी वाले बोल सकते हैं कि जो दूसरे ओला और उबर है उन लोग कन्वीनियंस दे रहे हैं हाथ में, बुकिंग करने का रेट भी कभी कभी कम दे देते हैं, तो सुविधा दे रहे हैं, तो कंपटीशन ये ऑफर कर रहा है, तो ये सब लिखे हुए जो भी आपके जहन में आता है। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स मोर टू गो। One minute 30 seconds to go.
1 minute to go. Seconds. Ten seconds. Five seconds. Okay, stop. Stop. अभी आपने क्या लिखा है मेरे साथ शेयर करिए. जिसको भी शेयर करना है आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं. मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड लैपटॉप पे. और जिन्होंने लिखा है कि कंपटीशन क्या ऑफर कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे हो, शेयर करना चाहते हैं तो हाथ ऊपर करिए. रेज हैंड. क्रेडिट पैकेजिंग क्रेडिट. सागर ने लिखा है क्रेडिट देता है सामने वाला. ओके okay? ये बहुत सारे जिनों का चैलेंज ये है कि मैं 30 दिन देता हूँ, आगे वाला 60 दिन देता है, 90 दिन देता है, क्या करे. ऑनलाइन सेलिंग वैरायटी. ओके ट्रस्ट ऑफ पीपल. हाँ कपल ऑफ पीपल हैव रेज देयर हैंड. ओके तो अजिंक्य यू कैन टेक देम. मिस्टर प्रवीण वी कैन टेक. ही वाज द फर्स्ट वन. मिस्टर प्रवीण गो अहेड. सर मेरा मेट्रोमैनी का काम है. ओके और इसमें मेरा कंप्यूटर उसका वो वेबसाइट दे रहा है. हाँ ऑनलाइन सर्विस दे रहा है. वेबसाइट दे रहा है. क्या दे रहा है? ऑनलाइन सर्च. ओके ओके. और ग्रुप मीटिंग अरेंज कर रहा है वो, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स का मीटिंग अरेंज करता है जैसे कास्ट वाइज. ओके ठीक है. और उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है. 10-15 साल से वो बिजनेस में है. राजेश अलावादी. सर अवर प्रोडक्ट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट. सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज there with our competitor. New technologies they are bringing into the field every day or at a recent time. So okay. This is something which is giving competition to us. Got it. So aapne do cheez, you have written down two things which the competition are doing and you are not doing. Okay. Beautiful. Yeah. And even a brand, it's a big brand. I mean, they are in the brands. Okay. Got it. ये brand है. Okay. Fine. Got it. मैं जो बेचता हूँ ना, मैं लैपटॉप डेस्कटॉप बेचता हूँ जो गली गली में बिकता है. ओके मेरा जैसा शोरूम है ऐसे 4 शोरूम और है और बहुत सारे शोरूम आए खुले और बंद हो गए. लेकिन मैं 27 साल से वही जगह पे छाती ठोक के काम करता हूँ. ओके तो ये फॉर्मूला है. तो ये दो चीज जो आपने लिखी है, कीप इट रिटन, वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड यू विल फाइंड योर आंसर्स एज वी गो अहेड. So thank you for sharing. So I think so people have got it right. Ki what the competition of offering and you are not offering. You have made a note of that. Very nice. Now let us go to the next question. Okay. What is that you can offer which competition cannot? Tum kya offer kar sakte ho jo competition nahi offer kar sakta hai? Ek kadwa sach pooch raha hu aapse. Ki aapse खरीदी करने का कस्टमर को कारण चाहिए. तुम्हारे पास से क्यों परचेज करे वो? व्हाट इज द रीजन आई शुड बाय फ्रॉम यू एंड नॉट फ्रॉम एनीबडी एल्स? आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट कि तुम्हारे पास कस्टमर आवे क्यों अगर गली गली में या कंपटीशन वही चीज दे रहा है जो आप दे रहे हो. जैसा हम लोग ने देखा 70% लोग ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया कि कॉम्पिटिशन भी ये कर रहा है और हम भी ये कर रहे हैं तो प्राइस में तो निचोड़ेंगे ही लोग. राइट तो अभी आपको ये सोचना है कि आप क्या ऑफर कर सकते हो जो कस्टमर को जो दूसरा नहीं ऑफर कर रहा है. एक रीजन कस्टमर को आपके पास से परचेस करने का. सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट. सोचो और लिखो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1 minute 10 seconds to go. Okay. 15 seconds to go. Five, four, three, two, one. Very nice. So stop. Everybody stop. अभी आप लिखिए इधर कि what you can offer which competition cannot. Okay. Just type in comment box and anybody besides those people, those who have shared, दूसरे लोग भी contribute करो. हम हमारे जैसे धंधे वाले ही हैं सब. तुम share करोगे तो दूसरे को answer मिलेगा. तो kindly be sport. Kindly be a sport to participate. Okay. Kindly raise your hand. Innovation and creativity. Mr. Rahul has raised his hand. Yeah, Mr. Rahul. A dear friend of mine. Yeah. So please mute. Yeah. Just a minute. Can you hear me? Yeah. Yes. Rahul, yeah. Good afternoon, Satish ji and Ajinkya ji. Yes, good afternoon. ये question का exactly opposite थोड़ा सा मेरा, it's a peculiar case. I've been doing this business since 21 years and since I'm the pioneer, I've done a lot of things which the competition hasn't. Satish ji knows we are into the fitness software, तो Fitbit के साथ integration या members के लिए app बनाना या body composition analysis के जो machines होते हैं उसके साथ integration, which none in the country has done it. Okay. So the premium has its price, and you know, it's exactly the other way around. So the competition doesn't have all these things which I have. Okay. But my problem is then I cannot lower down to the pricing of, you know, what they are offering because they don't have it. They have a very basic software which is good for sales and billing. Okay. And there are 24 competitors to do that. Can you throw some light upon it? I'll give an example of those typical black and yellow taxis and Olas and Ubers. So when Olas and Uber came into market, they wanted to capture market. So did they start at a price which was lower, or it was more than yellow or this yellow black taxis? What did they start doing, Rahul? Right. What did they start doing? I tried lowering down the price. I made 3 different versions, and the basic version now is lower than the others. But then that's the base version. So here, what you have to understand is, you have to initially bring the value low, as you have rightly done. Q basic, there's a basic offer. Then there will be something which is in, will be in middle, and something which has got a higher offer. Ye teen hoga. Exactly. Okay. Now Tally, when it Tally became Tally, because it offered them lot of things free. I'll give an example of a software which I used for nearly 6 months free. After that, I did not have any option rather to buy it across. Okay, so give, charge no value or very little value and give a very high return. Very high return. Software is always such a thing. You find fantastic softwares available for free. Once the person gets accustomed to that software, then he goes and buys, and you can have features, additional features for people who can pay you more. So you can have that approach. Okay. So have I answered your query? Yes, you did. Okay. Thank you very much, Rahul. Thank you. Okay. Anybody else who wants to contribute more area and more product extended, no wrong commitment and show sincerity. Okay. ये सब चीजों ने लिखा है कि what is that you can offer which competition cannot. एक खाली परीक्षा लेने की बोलूंगा, जो भी आपने लिखा है, जो भी लिखा है, for example more area and more product extended. मेरा question ये है कि क्या proof है इसका, या आप ये कैसे दोगे उसको?
उसको क्वांटिफाई करो, उसको मेरे को बताओ कि कल उठ के मोर एरिया तो कौन सी एरिया में जाके तुम वो काम करो, वो कौन सी एरिया में कस्टमर के लिए काम करोगे जो उसको काम आएगा. तो क्वांटिफाई इट, मेजरेबल बनाओ उसको, तो ही रिजल्ट्स आएंगे आगे. सो दिस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट इट राइट. नाउ ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ओके, ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट आवर कस्टमर नीड दैट यू एंड योर कॉम्पिटिशन बोथ आर नॉट ऑफरिंग. हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट आवर कस्टमर नीड दैट यू एंड योर कॉम्पिटिशन बोथ आर नॉट ऑफरिंग. ओके, एक हिंट देता हूं कैसे ये निकालने का. आपके टॉप 20 कस्टमर्स जो है ना, आप उसको कॉन्टैक्ट करो और अपने इंटरनल स्टाफ को कॉन्टैक्ट करो. उसको पूछो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे कस्टमर को हमें देनी चाहिए और वो कॉम्पिटिशन भी नहीं दे रहा, हम लोग भी नहीं दे रहे हैं. तो दे विल कम आउट विद ब्यूटिफुल ऑप्शंस आउट ऑफ विच यू हैव अ वेरी गुड माइंड बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन. यू कैन चूज कि इस ऑप्शन में तुम्हें क्या लगता है कि ये सही चलेगा. तो मेक ए नोट ऑफ दैट. ए वेरी सिंपल क्वेश्चन विच यू कैन आस्क इज व्हाट इज दैट योर कंपनी शुड स्टार्ट डूइंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट योर कंपनी शुड स्टार्ट डूइंग. Am I making myself clear? If I'm making myself clear, kindly type clear in the chat box. Okay, kindly type clear. So I'm, if you're not able to understand, kindly write not clear. I'm not clear. Okay. I'll give you an example before you can start attempting this question. Okay. ये ब्लैकबेरी देखा था, ये ब्लैकबेरी किधर चले गया पता नहीं चला. ये लॉन्ग प्ले देखा था, किधर चले गया पता नहीं चला. ये ब्लैकबेरी चले क्यों क्या किधर पता नहीं चला, क्योंकि इसके कंपटीशन ने ये सोचा कि ये क्या नहीं दे रहा है और मैं क्या नहीं दे रहा हूं. अगर मैं वो अवेलेबल कर दूं मेरे कस्टमर के लिए तो मार्केट शेयर मेरे पास आ सकता है. ये चार्ज कर रहा है कस्टमर को मैसेंजर सर्विस के लिए. क्या मैं ऐसा कुछ सर्विस चालू कर सकता हूँ जहां पे लोग कोई भी मोबाइल पे डाल सकते हैं और फ्री में चैट कर सकते हैं. तो व्हाट्सएप का इजाज हुआ. व्हाट्सएप को ये यूएसपी मिली ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद में कि कंपटीशन क्या नहीं दे रहा है और मैं क्या नहीं दे रहा हूँ. अगर मैं वो देना शुरू करूँ तो मार्केट शेयर मेरे पास आ सकता है. सिमिलरली लॉन्ग प्ले, जब आपको कुछ सुनना होता था तो ऐसा लॉन्ग प्ले लगा के उधर बैठते थे, उधर ही बैठ के सुनना पड़ता था. बाद में कैसेट आना शुरू किया, पोर्टेबिलिटी आना शुरू हुआ. फिर किसी ने बोला एक जगह पे जाके बैठ के क्यों सुनने का, क्यों ना हम वॉकमैन का इजाज करें. तो वॉकमैन का इजाज हुआ, दे इन्वेंटेड वॉकमैन. तो एक ये मैंने एग्जाम्पल दिया है. आपको अभी ये सोचना है कि कॉम्पिटिशन के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उसके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और मैं अगर वो उपलब्ध करा दूं तो मार्केट शेयर मेरे पास आ सकता है. डिड यू गेट मी राइट? एम आई क्लियर? ओके, सो काइंडली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. शांति से बैठिए, अटेम्प्ट करिए कि कस्टमर को क्या चाहिए और हम नहीं दे रहे हो, कॉम्पिटिशन भी नहीं दे रहा है. ओके, गो अहेड. One minute, 50 seconds to go.
40 seconds to go. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Stop. कितने जन को कुछ चीजें समझ में आई कि वो भी नहीं दे रहे हैं और कंपटीशन भी नहीं दे रहा है. Anybody who is able to find out, kindly type in the comment box. Okay. Yes. Satish sir, Mr. Praveen has raised his hand. Okay, fine. Yes, Mr. Praveen. Wait. Yeah, Mr. Praveen. Aapka mic mute hai. Hello. Haan, boliye. Hello. Haan, Mr. Praveen, boliye. Mera Metro Mini ka business hai. Kiska business hai? Metro Mini. Okay, ठीक है. Marriage Metro Mini. हाँ, समझ गया मैं. आपने पहले question. उसमें मेरे customer personal उसको मार्गदर्शन चाहिए. Personal उसको ये चाहिए मार्गदर्शन. Okay. उसको registration के बाद उसको service अच्छी चाहिए. जो हम दोनों भी नहीं दे रहे. मेरा computer भी नहीं दे रहा और हम भी नहीं दे रहे. Very good. तो आप लिख के रखिए ये. और मेरे कस्टमर को जुनैन ये चाहिए. क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मराठी में बोलते हैं उसको स्थल जो ब्राइड या ग्रूम का जो इंफॉर्मेशन होता है वो जुनैन चाहिए. हाँ, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. यस. ओके, तो ये जेन्युइन चाहिए. मतलब उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए और उसको पर्सनल गाइडेंस चाहिए. दैट इज व्हाट इज नीडेड, राइट? यस. वेरी गुड. यस सर. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. Anybody else? Mr. Pravesh, sorry, from Pravesh Doors, Mr. Sagar has raised his hand. Yeah, Mr. Sagar. Okay, sir. हमारा एक चीज है कि हम जो fast, yes sir, fast service या कोई भी boards का orders लेते हैं तो क्या होता है कि इसका 7 to 8 days का time लेना पड़ता है. कि पूरा का पूरा कस्टमाइज बनाना पड़ता है. ठीक है. तो आजकल कस्टमर जो है वो रिक्वायर ऐसा कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल उसको सर्विस दिया जाए. 2 to 3 days में उसको डोर मिलना चाहिए. ओके. तो ये चीज हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारे कंपटीशन है वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं. ओके, गॉट इट. समझ गया. तो आपको 3 मिनट के काम करने से कुछ तो लाइट मिला कि ये चीज हमें करनी चाहिए जो कंपटीशन भी नहीं कर रहे और हम भी नहीं कर रहे. वेरी गुड. Good. Thank you very much. Yes, definitely. And thanks for need a good round of applause for that. You know, very nice. Anybody else who wants to contribute? Every related thing in one set. Okay. ठीक है. तो you are going in the right direction. Fine. Let us go ahead. ये देखिए, थी इस तरीके की वॉचेस आती थी, इस तरीके की ट्रेडिशनल टीवी आती थी. जब नया टीवी का इजाज हुआ, फ्लैट टीवी का इजाज हुआ, तो उस समय पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम नहीं ऑफर कर रहे हैं और कंपटीशन नहीं ऑफर कर रहा. अगर हम वो ऑफर करना शुरू कर दे तो जिंदगी बेहतर हो सकती है लोगों के लिए. ओके, सो कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन. अभी क्या होगा, आपने कोई चीज आपके कंपनी के लिए नवी निकाली, कंपटीशन देखेगा, वो कॉपी कर देगा. जब आपने नई निकाली तो शांति से मत बैठ जाओ. अगेन आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट वी कैन डू विच वी आर ऑल्सो नॉट डूइंग, योर कॉम्पिटिशन इज नॉट ऑल्सो नॉट डूइंग. And start finding your new features with which you can sell and you can earn more margins. Okay. Next important question है, जो भी आपने निकाला है इसमें से, जैसा परवेश डोर ने लिखा कि मैं fast service competition भी नहीं देता, मैं भी नहीं देता. Mr. बब्बर ने बताया कि personalized जो service है वो लोग नहीं देते हैं और background information नहीं निकालते हैं. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने निकाल लिया, ये आपको अच्छा लग रहा है,
लेकिन कस्टमर को जरूरत है क्या इस चीज की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन आस्क योर टॉप 20-40 कस्टमर्स कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दिस, डू यू फील कि ये तुमको ये निकाल के जो मैंने चीजें निकाली है आपको फायदा होगा ये चीज यूज करके. अगर आपका कस्टमर का 100 में से 70% लोग बोलते हैं हाँ ये फायदेमंद रहेगा, तो आपको आपका काम हो गया. उसे नोट करके रखिए और नेक्स्ट टाइम आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आप ये चीज ऑफर करिए जो आपका कॉम्पिटिशन नहीं ऑफर कर रहा है, तो ही जाके जाके आप प्राइस वॉर से निकल पाएंगे. एम आई राइट रॉन्ग? आप ये जो आंसर निकाले हो उसको टटोलो और उसको ये आंसर करो कि ये कस्टमर को चाहिए कि नहीं जो भी आपने लिखा है. जस्ट राइट यस और नो. इधर चैट बॉक्स में आप लिखिए यस कस्टमर को मैंने जो निकाला है ना वो कस्टमर को चाहिए रहेगा, टाइप करिए यस. योगेश टेल्स यस. ओके एवरी लिटिल थिंग वन सेड यस. ओके आई वांट पीपल टू इंटरैक्ट ऑन द कमेंट बॉक्स. ओके यस मयंक अग्रवाल सेज यस. ओके ओके यस राजेश सेज यस. ओके देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी वेरी एक्टिव. ओके पार्टिसिपेंट एक्स सेज यस. राहुल सेज यस. मैस्कॉम पंचाल सेज यस. सनी सेज यस. ओके सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपने कुछ निकाला आपको पसंद है, अरे लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं है ना, कस्टमर का जिंदगी आसान होनी चाहिए. बहुत सारे लोगों को क्या होता है अपने आविष्कार से इतना प्यार हो जाता है कि उन लोग जाके सबको मार्केट करते हैं, बोलते हैं अरे मेरा आविष्कार ये है मेरा आविष्कार ये है, लेकिन कस्टमर को नहीं चाहिए ना. अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो मार्केट में जाके बेचेगा तो कस्टमर खरीदने वाला है तेरे पास. अगर 10 में से 7 कस्टमर ने बोला मेरे को फायदेमंद है तो उतार डालो. खुद अपने प्रोडक्ट के इन्वेंशन के साथ प्यार में मत रहो. दिस इज माय वन लाइनर, हमेशा ध्यान रखो ये चीज. ओके नॉट लेट अस गो टू द नेक्स्ट. इफ द आंसर इज यस, लास्ट जो क्वेश्चन है कस्टमर को चाहिए कि नहीं, अगर आपका आंसर यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव फाउंड योर यूएसपी. You have found your USP. तो ये आपका एक USP बन जाता है. हम धंधे वाले जो है ना ये काम नहीं करते हैं. हम ये देखते हैं हर रोज जाके कि डिलीवरी पहुंची कि नहीं, बैंक में कितना बैलेंस है कि नहीं, अरे वो रेजिग्नेशन दे रहा है, अरे दो स्टाफ के बीच में लफड़ा हो गया है चलो उसके अंदर घुस जाओ, अरे चलो भाई अरे उधर पेमेंट का प्रॉब्लम हो गया चलो उसको रिकवरी में उगरानी में बैठो एंड डिजाइनिंग करो, अरे एसी चालू नहीं अरे एसी कौन सी नवी लेनी है, अरे फैन कौन सा लेना है नया, चलो कौन सा ओरिएंट लेने का कि बजाज लेने का, इसके अंदर घुस जाते हैं. हमारा बिजनेसमैन का जो एक्चुअल काम है वो ये है, ये निकालना, इनोवेशन करना, पिच बनाना जिससे हम ये प्राइस वॉर से निकल पाए. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. जिलेट मैक 4 कितने जन ने सुना है, वो शेविंग ये आता है क्या बोलते हैं उसको, जैसा ये जिलेट प्रेस्टो आता है ये रेजर आता है जिलेट का, मैक 4 किस किस ने सुना, यस ओके टाइप करिए यस आई यूज इट. ओके राहुल डंडेकर यूज इट, मी सर ओके. ये कंपनी ने अंदाजन करो सोचो कि कितना रुपया इन्वेस्ट किया होगा ये प्रोडक्ट मार्केट में डालने के पहले. ये कंपनी ने जिलेट ने 200 करोड़ रुपया खर्च किया प्रोडक्ट मार्केट डालने के पहले. उसने ये देखा कि करंट जो रेजर्स है वो मार्केट में क्या चीज नहीं ऑफर कर रहे हैं, हम कौन सा चीज हमारे रेजर में ऑफर कर रहे हैं जो हम भी नहीं ऑफर कर रहे हैं, सो दैट इट स्टार्ट सेलिंग एट अ प्रीमियर. एक कॉमन रेजर जो है 15 रुपए का पड़ता है, ये रेजर उन लोग 150-200-250 रुपए में बेचते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ USPs है जो लोगों को बताते हैं और वो यूएसपी के हिसाब से बेचते हैं. उसने 200 करोड़ रुपए खर्चे. मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, बड़े कंपनियों का बड़ा बजट होता है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा टाइम और थोड़ा मनी इन्वेस्ट करिए इसके अंदर, स्पेशल आदमी रखिए जो ये R&D करते जाए यूएसपी फाइंड करने का, तो आपको आपका यूएसपी मिलेगा और आप मार्केट में जाके अच्छे भाव में आपका मटीरियल या सर्विसेज बेच पाएंगे. ओके भाई मैं अपने कंपनी का उदाहरण देता हूँ. मैं कॉमोडिटी आइटम बेचता हूँ, हर एक जगह मिलता है, लेकिन मैंने क्या अलग चालू किया, मैंने ये चालू किया कि सेकेंड और थर्ड ईयर स्टैंड बाय प्रोडक्ट दूंगा मैं आपको. आपने मेरे पास से लैपटॉप लेके गए,
वो लैपटॉप एक साल के बाद खराब हो गया तो आप नॉर्मली सर्विस सेंटर में जाते हो, लेकिन हमारे से अगर खरीदा है तो आप वो खराब लैपटॉप हमारे पास लेके आओ, हम आपको स्टैंड बाय देंगे सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुए और आपको इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। जब भी आपका लैपटॉप रिपेयर हो गया तो हम आपको बुलाएंगे, आप मेरे पास से लैपटॉप लेके जाइए और वो वाला स्टैंड बाय लैपटॉप मुझे लेके रिटर्न दीजिए। फिर हमारे पास 72 आवर्स कोई भी प्रोडक्ट आप लेके गए और अगर फॉल्टी हो गया और उसके अंदर प्रॉब्लम आया तो आप लेके आइए, मैं 72 आवर्स के अंदर लेके आएंगे तो मैं आपको बिगर कुछ पूछे रिप्लेसमेंट दे दूंगा। तो ये दो चीज चालू की। और एक और चालू, एक और चीज हम देते हैं कि हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं 16/7। हम लोग खरीदना है आपको तो ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, बेचने के बाद में आपको कुछ तकलीफ हो इंस्टॉलेशन के लिए तो हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, नहीं तो क्या होता है कस्टमर भटकता है टोल फ्री नंबर पे। तो जब कस्टमर हमारे पास खरीदने को आता है तो हम ये बताते हैं कि हमारा यूएसपी है, तो कस्टमर हमारे दुकान के बाहर निकल जाता है प्राइस सुन के, फिर थोड़े देर के बाद वापस आता है और बोलता है सर दे दो, क्योंकि हमने यूएसपी को लेवरेज करके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पिच किया है, अपनी यूएसपी पिच की है, तो कस्टमर वापस आके हमारे भाव में लेके जाता है। दिस इज व्हाट वी डू फॉर अ यूएसपी। ये किसका फोटो देख रहे हो आप इधर, टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स, ये फोटो किसका है? ओके, आई वांट पीपल टू टाइप। हाँ, कोकोनट सेलर। ओके, कोकोनट सेलर, फाइन, सबको दिख रहा है ना कोकोनट सेलर, नारियल वाला। ओके, मैं मॉरिशस गया था तो थीम पार्क्स होते हैं उधर बहुत सारे, तो हर एक थीम पार्क के बाहर है ना ये नारियल वाले रहते थे जो नारियल बेचते थे। मैं पहली बार जब मैं खरीदने को गया नारियल तो मैंने पूछा कितने का है, तो उसने बोला एक्स डॉलर्स का है। मैं इंडियन फट से मल्टीप्लाई किया, देखा क्या प्राइस बिकता है, तो 240 रुपया। मेरी उस समय प्याज बुझ गई, मैं बोला चलेगा बाद में पानी वानी पी लेंगे। लेकिन जब मैं ये थीम पार्क के अंदर घुस रहा था तो ये बंदा जो उधर का रहने वाला है मेरे पास और मेरे फैमिली के पास आया और कहा नमस्कार नमस्कार, आप इंडिया से हो, क्या बात है, आप आइए मेरे दुकान पे आइए, मेरे पास अच्छे अच्छे नारियल पानी है, दो दो वैरायटी है, आपको बहुत मीठा पानी मिलेगा, और हाउ इज शाहरुख खान, दिल तो पागल है, ने ये है ने वो है, अमिताभ बच्चन कैसा है, कौन बनेगा करोड़पति, नमस्कार आइए आइए। तो आई वॉज रियली अट्रैक्टेड बिकॉज इंडिया हिंदी भाषा सुनने को तरस जाते हैं क्योंकि उधर बहुत सारे फॉरिनर्स होते हैं, तो आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम एंड हमारे फैमिली ने सब लोग ने उस समय में नारियल पानी पिया। तो मैं जब मैं नारियल पानी पी रहा था तो ये बंदा ने देखा पीछे जापानीज लोग आए, तो जापानीज लोगों के सामने गया और वो जापानीज लैंग्वेज में उनको वेलकम करने लगा, पी पॉपू ये वाह बोल के वो अपने क्या बोलते भाषा जो उसको जापानीज आती थी वो जापानीज भाषा वाले लोगों को अपने स्टॉल पे लेके आया। फिर दूसरे रशियन वाले लोग थे, रशियन भाषा बोलने लगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो व्हाट हैपेंड कि दिस पर्सन हैड एन यूएसपी ऑफ नोइंग ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दैट्स द रीजन ही कुड सेल मोर। उस समय पे मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि इसका प्राइस ज्यादा है, सो इसका यूएसपी ये था। सो आर यू गेटिंग इट? If you are getting it, just type yes in the comment box. Okay. अभी एक और एग्जाम्पल देता हूं, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है? Okay. स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ओके, मैं हैदराबाद गया था, चार मीनार के बाजू में ऐसे बहुत सारे ज्वेलरी शॉप है। आप पहला वाला दुकान देखोगे तो इसमें कोई ग्राहक ही नहीं है, सेकंड वाला दुकान देखो तो उसमें चुटमुट एक दो लेडीज है, लेकिन जब तीसरा वाला देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो मैं दूर खड़े रह के देख रहा था ये, तो मैंने फोटो निकाला तीनों का अलग से। मैं पहले वाले दुकान पे जस्ट जाके बाहर खड़ा हो गया, वो जो लाल शर्ट वाला मुझे ऐसे देखने लगा कि मेरे को अभी वो मार देगा, वो जिस तरीके से देख रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझे देख के ये समझ रहा था कि ये तो आदमी ये क्या खरीदेगा,
काय के लिए खड़ा है एंड वो जिस तरीके से लुक दिया. तो आई डिडंट वांटेड टू गो इनसाइड द शॉप. मैं सेकंड शॉप पे आया तो उधर जो ओनर बैठा था उसने एटलीस्ट मेरे को देख के स्माइल किया. उसने स्माइल किया और बोला आइए, बट आई डिडंट वांटेड टू गो इन. सो लेकिन दूसरे जो सेल्स वाले वो ऐसे ही खड़े थे. मैं तीसरे वाले के पास दूर जाके खड़ा रहा तो वो जो टोपी वाला बंदा दिख रहा है जिसका मैंने एरो किया है उसने दूर से मेरे को बुलाया, अरे साहब आप आइए ना, आपकी बीवी तो अंदर है, वो कुछ चूज कर रही है तो आप भी उसको सहायता करिए, आप अगर चूज करके दोगे तो उसे अच्छा लगेगा. मेरी वाइफ भी उधर पीछे खड़ी हुई है. फिर मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ. मैं जैसे ही अंदर घुसा तो उसके जो काउंटर पे सेल्स आदमी खड़े थे ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका. उन्होंने बोला कैसे है, बॉम्बे से आए हो लगता है, और बॉम्बे में माहौल कैसा है, अरे सर को चाय दीजिए वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड आई कुड फील कम्फर्ट देयर. एंड इसके कारण मुझे महसूस हुआ कि इसका यूएसपी जो है ना, इसकी वेलकमिंग है, ग्रीटिंग है, इसके कारण वो गर्दी उधर ज्यादा दिखती है. तो ये जानना जरूरी है. उस समय में हो सकता है कि उसको नहीं पता होगा कि उसका यूएसपी क्या है. मैं जाते जाते उसे बोल गया कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपके दुकान में गर्दी इसके लिए है कि क्योंकि आप ये सब चीजें करते हैं. अगर आप ये चीजें और करने लगोगे तो आप अपने भाव में चीजें बेच पाओगे और गर्दी आपके पास ज्यादा होगी. सो दिस इज द लेसन विच आई लर्नड फॉर हाउ यू शुड एक्चुअली फॉर्मुलेट योर यूएसपी. अच्छा ये किसका फोटो है, ये किसका फोटो है? ओके टाइप करिए अजय देवगन. ओके हाँ लग रहा है ऐसा, थोड़ा थोड़ा अजय देवगन लग रहा है. ओके अर्जुन. ओके कर्ण. ओके करण. ओके आप देखोगे ना तो इसके पास है ना कमान में दो या तीन तीर है. अगर कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है तो इसको यूएसपी यूज करके है ना वो तीर यूएसपी जैसा यूज करना है और सेल को अपने तरफ करना है. सामने तुम्हारे पास 12 मुंडी लेके रावण खड़ा है, आपके पास तीर कितने हैं वो डिपेंड करता है. आज जो हम लोग ने सीखा वो ये सीखा कि कुछ तीर, एक या दो तीर ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे तीन और फॉर्मूला है. अगर आप वो तीन फॉर्मूला जान लो तो आपके पास 10 या 12 तीर होंगे. फिर कस्टमर प्राइस के ऊपर खाली खेलेगा नहीं, आपके यूएसपी आपके पास क्लियर है. तो अगर कस्टमर प्राइस ऑब्जेक्शन देता है और आप सही यूएसपी उसको पिच करते हो तो आप अपने भाव में चीजें बेच सकते हो. ओके सो इन सेलिंग यू वेस्ट टाइम नॉट सेलिंग. ये मेरा एक पार्टिसिपेंट है जिसका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ. बिफोर आई शो द वीडियो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल लाइक टू ऑप्टिमाइज दिस बोथ. ओके एंड शेयर. My name is Valentin from JB Info Solutions. In these past 2 days, I have understood my USPs, and these sessions have helped me to even get those customers who are not my customer as of now. I was only focusing on a particular brand, but now I will be selling my company brand, which I feel from yesterday should be my main USP, which will be different from other system integrators. So that is what I'm going to implement from tomorrow onwards. Thank you very much. अभी ये बंदा जब मेरे सेशन में आया था, 2 दिन के सेशन जो हम लोग लेते हैं सेल्स का, जब इसमें आया था तभी ये बंदा है ना एज ए डीलर था, लिनोवो के लैपटॉप बेचता था, बहुत सारी चीजें रीसेल करता था. ये 2 दिन में उसको ये समझ में आ गई बात कि आज के बाद है ना मैं दूसरे ब्रांड को नहीं बेचूंगा, दूसरे ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊंगा. लोग मेरे पास मेरे यूएसपी के कारण आने चाहिए. मैं कल उठ के लिनोवो बेचू, कल मैं सोनी बेचू या कौन सा भी प्रोडक्ट बेचू, लोग मेरे पास अगर आने चाहिए तो इसके लिए आने चाहिए क्योंकि मेरे पास ये यूएसपी है जो दूसरों के पास नहीं है. बहुत सारे लोगों के पास उनकी यूएसपी रहती है लेकिन उनको खुद को नहीं पता रहता है कि ये यूएसपी उसके पास है. एक मिसाल दूंगा मैं, एक डॉक्टर था जिसके पास 12 डिग्रीज थी, वो एक छोटा सा क्लिनिक चलाता था. जब हमारे पास ये चीज समझ में आई, हमसे कंसल्टेंसी ली, तो पहली चीज उसको ये बताएगी कि तेरा यूएसपी ये है कि तेरे पास 12 डिग्री है. लोगों को बता तेरे पास 12 डिग्री है, जब तक तू बताएगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा. तो उसने यूएसपी का पूरा सेशन लिया हमारे पास से.
और उसने 1.5-2 साल के अंदर खुद का हॉस्पिटल खड़ा किया। तो यूएसपी का पावर इतना जबरदस्त रहता है अगर आपने सही तरीके से उसको फॉर्मुलेट कर लिया। ओके, नेम इज वैलेंटाइन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। तो इसके अंदर आप लोग ने क्या समझा? आई वॉन्ट यू टू ईदर शेयर और टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। वॉट डिड यू लर्न आफ्टर वॉचिंग दिस एड? ओके, रैबिट ने अपने मोटापे को यूएसपी बना दी। ओके, एनीबडी वांट्स टू शेयर? यू कैन अनम्यूट और रेज योर हैंड। स्मार्ट सेलिंग, ओके ओके, गुड फोटो स्क्रीन, गॉट हैप्पी एंड सेव्ड हिम एंड वेंट अवे। ओके, एक चीज इसके अंदर ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप देखोगे जो ब्रांड्स है ना, अच्छे ब्रांड्स, उन लोग प्राइस पे नहीं खेलते हैं। उन लोग सबसे पहला अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का ये यूएसपी है, मेरे मोबाइल पे ये नाइट विजन कैमरा है। उन लोग ये नहीं बोलते हैं कि मार्केट में 10,000 में बिक रहा है, मैं 8,000 में बेच रहा हूँ। 8,000 में तभी बेचेगा जब तेरा और उसका दोनों का यूएसपी एक ही रहेगा, फीचर्स एक ही रहेंगे। लेकिन तूने एक नॉच ऊपर आ गया या 2 नॉच ऊपर आ गया या 3 नॉच ऊपर आ गया, ऐसा 5-5, 6-6 यूएसपी आपके पास खड़ी रहेगी। और जब आप कस्टमर को यूएसपी बता पाओगे और वोकल रहोगे उसके बारे में, तो ही तुम्हें कस्टमर पैसा देगा। ये सीखिए बड़े फॉर्म से, कभी भी नया यूएसपी हाईलाइट करेगा कोई भी बड़ा कंपनी। हमें अभी फॉर्मूला मिल गया है कि हमारे कंपनी का यूएसपी कैसे निकाला जाए, ये वन ऑफ द फॉर्मूलाज है। ओके, सो एम आई मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर? इफ यू आर लर्निंग समथिंग, टाइप in the comment box you are learning something. Can you repeat please again? Okay, so I'll repeat this again. ये मैंने ad दिखाया, आपने जितने भी बड़ी companies की ad होगी ना, वो पहला focus करते हैं कि उनके पास कौन सा unique selling proposition है, कौन सी चीज ऐसी है जो किसके पास भी नहीं है मार्केट में। और ये करने के पहले है ना, उन लोग बहुत सारा मार्केट सर्वे करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, आप सर्वे करिए आपके कस्टमर के साथ, अपने इंटरनल कस्टमर के साथ में टू स्टार्ट विद, क्योंकि हमारे पास बड़े बजट्स नहीं है, तो आप इधर से शुरुआत करिए, छोटी छोटी यूएसपी निकाल के आइए। तो ये जो बड़ी कंपनी रहती है, ये सर्वे करती है कि क्या मार्केट में डालना चाहिए जो कॉम्पिटिशन के पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं है, और अगर हम लोग ने डाला, क्या ये कस्टमर को फायदेमंद होगा,
अगर फायदेमंद होगा तो उन लोग काम शुरू करते हैं और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो यूएसपी के साथ मार्केट में डाल देते हैं. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. ये जो पूरी एक्सरसाइज की वो इसके लिए ही की. डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर एंड गो ऑन टाइपिंग दैट यू आर लर्निंग समथिंग. I got it, sir. Thanks. Okay. Okay. Yeah, Teensha also tells. Thanks. Okay. Mallika has raised her hand. Okay. Yeah, Mallika, go There's ahead. A participant by the name of Mallika. Mallika, go ahead. Can you unmute him? Unmute her. I'm trying to, but it's not unmuting. Mallika, kindly. No, I think so. We lost her. No, she's there, but I'm not able to unmute. Okay, I think we'll move. We'll proceed ahead. Okay, I'll move ahead. Yes. Stop selling. Start educating your USPs. Okay. अभी एक और पोल करेंगे. वो पोल करने के पहले कितने जन को ये बात समझ में आ रही है कि कुछ या कुछ तो रास्ता है ये प्राइस वॉर से निकलने का बाहर. और ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो आप प्राइस वॉर से निकल सकते हैं. अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कस्टमर को कम फॉलोअप करना पड़ेगा. अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मार्जिन ज्यादा मिल सकता है. कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग एक वी आर गोइंग टू टेक वन पोल. बट समबडी हैज रेज्ड इन हैंड. हिज नेम इज राजा. तो लेट हिम से व्हाट ही वांट्स टू से. ये राजा, गो अहेड. Hello. Yes, Raja. Can you hear me? I can hear you very clearly. In the previous example, what you said, creating a USP, is it something similar to what they show in the AquaGuard, that, you know, every RO, har RO AquaGuard nahi hota, something similar to that? Yes, absolutely right. I'm very happy that you gave this example. आज के बाद है ना, तुम जितने भी एड न्यूज़पेपर में या किधर भी टीवी पे जिधर भी देखो ना, उसको ये नजरिए से देखो कि कौन सा यूएसपी वो पिच करने का कोशिश कर रहा है जिसके कारण मैं वो खरीदना चाहता हूँ. वो अभी मैं एक बात बता दूं आपको. मैं सेकेंड और थर्ड ईयर वारंटी वाले प्रोडक्ट बेचता हूँ. मेरे पास कस्टमर आते हैं, उन लोग बोलते मैं तो अब्रॉड रहता हूँ, मेरे को सेकेंड और थर्ड ईयर वारंटी की जरूरत नहीं है, मैं अमेरिका से आपको लैपटॉप नहीं भेजने वाला हूँ. तो मैं उसके लिए दूसरा यूएसपी यूज करता हूँ. ठीक है, अभी उसको दूसरा यूएसपी एक जन के ऊपर नहीं काम आ सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है. तो आपके पास तीसरा यूएसपी होना चाहिए. वो अर्जुन का फोटो याद रखो, आपके कमान में है ना कम से कम 8 से 10 यूएसपी होना चाहिए. आज जो हम लोग ने यूज किया वो एक ही फॉर्मूला था, ऐसे तीन फॉर्मूला है. वो तीन फॉर्मूला से आपका जो कमान के अंदर 10 या 12 तीर रेडी हो जाएंगे. कल उठ के उसने एक तीर यूज किया कस्टमर ने एक ऑब्जेक्शन यूज किया, तो आप सही तरीके का तीर यूज कर सकते हो. वो महाभारत रामायण देखते थे ना, उसने अगर ये अस्त्र यूज किया तो तू अग्नि अस्त्र यूज कर, उसने अगर चंद्र अस्त्र यूज किया तो तू ब्रह्मा अस्त्र यूज कर, उसने अगर सांप वाला अस्त्र यूज किया तो तू दूसरा अस्त्र यूज कर. तो डिपेंड करता है आपको कस्टमर ऑब्जेक्शन अगर आप बरोबर सुन लेते हो तो कौन सा अस्त्र यूज करने का. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन पॉइंट. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. ओके हाँ, तो आई वॉज कमिंग बैक टू पॉइंट कि कितने जन को लगता है कि ये प्राइस वॉर से कोई तो तरीका मिल गया हमें निकलने के लिए. हमें ये तरीका मिल गया कि इसमें ज्यादा कस्टमर को फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा. हमें तरीका मिल गया कि हमारे मार्जिन्स बढ़ सकते हैं. हाउ मेनी पीपल फील दैट. आई एम गोइंग टू टेक ए स्मॉल पोल ऑन दैट. ओके, एक छोटा सा पोल लेता हूं मैं. Your poll starts now. Yes. People, I want your fingers, fastest finger first. फटाफट फटाफट टाइप करिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कितने जन को ये महसूस होता है. तो मुझे लगे कि मैंने जो इतना देर आपके साथ टाइम इन्वेस्ट किया उसमें आपको कुछ मिला कि नहीं. ओके, 42 पीपल ने खाली
contribute kiya hai. I want more people to contribute. 47 people have contributed. Okay. Now the number is increasing. Number is increasing. Okay. Okay. Fine. Okay. Okay. Yeah. Go on contributing. Contribute. Kindly type karo yes or no mein. Okay. Got it. I'll stop it here. I'll just share the result with you. Okay. See the result. 98% लोग समझते हैं कि हम लोग ने अगर प्रॉपर यूएसपी ढूंढ लिया तो हम प्राइस वॉर से निकल सकते हैं बाहर. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द पोल. ओके जस्ट अ मिनट. नाउ ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर ए फीडबैक फॉर्म. इसके बाद में थोड़ा सेशन पेंडिंग है. आई वॉन्ट टू शेयर ए फीडबैक फॉर्म. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये सेशन कैसे लगा. ओके वन स्टैंड्स फॉर बैड एंड फाइव स्टैंड्स फॉर गुड. काइंडली वोट. आई वॉन्ट पीपल टू वोट. आपको अब तक ये सेशन कैसे लगा. ओके ओके थैंक यू वेरी मच. अंदाजन नियरली 50-60% ऑफ द पीपल एंड मोर 35% ऑफ द पीपल हैव रेटेड इट 504. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ फीडबैक. दिस एनकरेजेस मी टू मेक बिजनेसमैन्स लाइफ इजियर. थैंक यू वेरी मच. I will end this poll now. मेरा भी next question. मैंने जब शुरू किया था webinar, मैंने आपको एक question पूछा था कि अगर आप time और money invest कर सकते हो तो ही ये session में रहना. मैं तुम्हारे से exercise कराऊंगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा. मैं आपको कोई ready-made answer नहीं देने वाला हूँ. ये particular formula से आपको answer मिल गया. तो how many people are ready to learn and more invest more? If you are ready to learn and invest more, kindly type yes in the comment box. Yes. I want people to go on typing. Yes. Supal Shah says yes. Okay. Okay. Shekhar says yes. Oppo. Dance. Okay. Okay. How many people also want to know वो तीन formula कौन से हैं जिससे मेरे कमान में ज्यादा तीर आ सकते हैं. How many people want to know that? Those who want to know that, kindly keep on typing yes there. I should see that enthusiasm in you कि तुमको सीखने की भूख है, कि खाली मेरे को बताने की भूख है. I want people to go on typing yes. People are typing double time yes. Raja is typing double. Bollywood chop yes. Okay, got it. ऐसा कहा जाता है double your learning and triple your earning. So I'm asking your permission ki mere ko ek offer dena hai jo main ek course conduct karne wala 12 tarikh ko. So do I have your permission to show you that offer? Okay, do I have the permission to show you that offer? Kindly type yes. Okay, lot of people are saying ye teen jo formula aur hai, तीनों जो फॉर्मूला और है वो सीखना है आपको. और वो सीखने के लिए क्या ऑफर है, यू जस्ट वांट टू नो दैट. आई विल शेयर द ऑफर विद यू. ओके सो ये मैं वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूँ 12 तारीख को, 12 मई दैट इज ट्यूसडे. ये मैं कंडक्ट करने वाला हूँ 12 से 2, सेम टाइमिंग 12 से 2 का टाइमिंग रहेगा. और इसके अंदर मैं क्या सिखाने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच, तीन फॉर्मूला टू फाइंड मोर यूएसपीज. ओके आज जो देखा वो एक ही फॉर्मूला था, और तीन हम देखेंगे कि कौन से और फॉर्मूला है. फिर हम आपको सिखाएंगे कि सेल्स किट कैसे बनाना है. ये सेल्स किट आपके हर एक सेल्समैन के पास रहेगा. जैसा वो अर्जुन के पास वो कमान थी जिसके अंदर वो तीर रख रहा था, वैसा सेल्स किट रहेगा. जब कस्टमर ने पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन बताया तो वो सेल्स किट से कौन सा तीर निकालना है और कस्टमर के लिए यूज करना है, हम सिखाएंगे कि ये सेल्स किट कैसे बनाना है. और एक फॉर्मूला जैसा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे. जो भी क्वेश्चन पूछे हैं आपको मेल किए जाएंगे, सो दैट यू कैन सिट बैक. 1-1.5 घंटे में सब यूएसपी निकल के नहीं आते हैं. अभी छुट्टी का टाइम है, आदमी को टाइम है, बैठ के यूएसपी अपना ढूंढिए
सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा जिस तरीके से ऐसे इंटरक्टिव था जिसमें मैंने आपको अनेबल किया है आपका यूएसपी ढूंढने के लिए, आपको मैंने परोसा नहीं आपका यूएसपी, तो यू आर नाउ अनेबल टू फाइंड आउट योर ओन यूएसपी। फॉर्मूला टेम्पलेट दिया जाएगा आपको जिससे आप जब भी आपको कुछ यूएसपी इकट्ठा करनी है, खड़ी करनी है, नहीं करनी, तो फॉर्मूला आप यूज कर सकोगे।